नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूडी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग हर एक विश्वविद्यालय के कोर्स वाइज कट ऑफ का पूरा एक सीरीज फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जनरल टेस्ट, उससे पहले बीएचयू से बीए, बीए एलएलबी और बहुत सारे कोर्सेज यूजी और पीजी के हम लोग देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएचयू से एमए फिलोसफी में कितना मार्क्स लाने पे आपको एडमिशन मिल सकता है, वो जो पूरा संभावित एक मार्क्स है उसको हम लोग जानेंगे, साथ ही साथ इसके पूरी डिटेलिंग को भी समझेंगे। इट मीन्स कि कितने सीटें हैं, किस किस कॉलेज में है और एडमिशन लेना कितना हार्ड है, कितना इजी है, इन तमाम मुद्दों पे जो है इस एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपका कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना होने सके। सो प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि बीएचयू पाठशाला इट मीन्स कि इसी चैनल पे आपको बीएचयू या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल कट ऑफ की लिस्ट भी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो ऐसे में सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेरा एक जो व्यक्तिगत फायदा है वो ये है कि इसमें हमारे बच्चे खुद भी हैं जो बीएचयू पाठशाला से पढ़ाई कर रहे थे, और इस वीडियो को बाकी भी बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। तो जो भी लोग देखने वाले हैं वो कमेंट करके भी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करके भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अब आती है इस वीडियो को जो एक वो नंबर है जानने का कि फाइनली हमें किस नंबर पर एडमिशन मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, ध्यान देना, मैंने फिलोसफी और बाकी कोर्सेज में जो बेसिक डिफरेंस रखा है, बाकी कोर्सेज के कट ऑफ में मैं आपको बस एक हाईएस्ट नंबर दिया हूं जिस पे आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, लेकिन फिलोसफी मैंने ऐसा नहीं किया। एमए फिलोसफी के जब मैं कट ऑफ बनाया तो यहां पे जनरली मैं उस एक सबसे कम नंबर, एक जो लिमिट है, जो एंडिंग नंबर है एडमिशन का, वहां तक जाने की कोशिश किया हूं, जिससे कि आप लोग एकदम इंश्योर हो सको, कहीं ना कहीं अपने माइंड को रिलैक्स फील करा सको कि हाँ, हमारा एडमिशन होने की संभावना है या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं बहुत ही लिबरल होकर मैं वीडियो बनाया हूँ फिलोसफी वालों के लिए। सो फाइनली सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपके कोर्स की कट ऑफ मेकिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, आपकी जो कोर्स की कट ऑफ मेकिंग प्रोसेस है, सबसे पहले आपका जो एग्जाम है वो सीयूटी पीजी के माध्यम से हुआ है। ठीक है, जो टेस्टिंग एजेंसी रही है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रही है, कंडक्टिंग बॉडी एग्जाम कराने की। और आपके एग्जाम में जो पैटर्न रहा है वो रहा है पार्ट वन एंड पार्ट टू का, जहां पे पार्ट वन जो रहा है वो 25 क्वेश्चंस एंड पार्ट टू जो डोमेन रहा है वो है 75 क्वेश्चंस। टोटल मिला के आपका हो जाता है 100 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग जो है वो -1 है। ओके, इतना कन्फर्म हो गया। अब इस 100 को अगर हम लोग मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं, 100 क्वेश्चन को, तो हो जाता है टोटल 400, यानी 400 आपके मार्क्स का तो क्या हो गया, आपका पूरा एग्जाम हो गया। अब इस 400 नंबर में कितना लाने पे आपको बीएचयू और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की संभावनाएं हैं, इस पर बात करते हैं। उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बीएचयू के फिलोसफी डिपार्टमेंट में जो सीटें हैं उसको जान लेते हैं। बीएचयू का जो फिलोसफी डिपार्टमेंट है, नो डाउट कि बहुत ही बेहतर डिपार्टमेंट है, लिबरल है, वहां के जो टीचर्स हैं बहुत ही लिबरल हैं, स्वभाव से बड़े ही खुशमिजाज और पढ़ाने में बड़े ही विद्वान हैं। जनरली डिपार्टमेंट का अभी तक का जो प्रोसेस है उसमें रिसर्च भी होता है और यूजी बच्चे भी पढ़ते हैं। मैं खुद उस डिपार्टमेंट का रहा हूं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे वो डिपार्टमेंट ठीक लगता है। ठीक है, और बाकी आप लोग तो दार्शनिक विचारधारा वाले हो, तो सही और गलत के बीच में जो फर्क है वो आपसे बेहतर शायद कोई समझ सकता है। तो लॉजिकली ये डिपार्टमेंट बीएचयू का सही है। इसमें जो सीटें हैं, सबसे पहले हम लोग मेन कैंपस में देखें तो वो है 96 सीटें, यानी 96 सीट है। उसके बाद एएमपीजी में 37 यानी 37, और डीएवी पीजी कॉलेज में 37 यानी 37 सीटें हैं। उसके साथ यहाँ पे वीकेएम में भी है और वीसीडब्ल्यू में भी है 37 और 37। ठीक है, यानी चार कॉलेज में 37 और मेन कैंपस में 96। बच्चों को जो डिमांड रहती है जनरली वो एफएमसी में पढ़ने का रहता है, जो ड्रीम होता है, जो सपना होता है कि हम लोग को मेन कैंपस मिल जाए। ऑफ कोर्स मेन कैंपस
बाकी अफिलेटेड कॉलेज से थोड़ा बेहतर है फैसिलिटीज के मामले में, बाकी पढ़ाई मुझे लगता है कि हर जगह बराबर ही होता होगा। बात आती है कि क्या हम लोग फिलोसफी के अलावा भी एडमिशन कहीं ले सकते हैं इसी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे वो है इंडियन फिलोसफी एंड रिलीजन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IPR। ये भी फिलोसफी डिपार्टमेंट में ही चलने वाला जनरली एक कोर्स है जो कि इसी पेपर के थ्रू होगा, इसका कोई अलग से एग्जाम नहीं हुआ होता है। ये आपके लिए एक तरह से ऑफर है, ठीक है, ये ऑफर है, दिमाग में बैठा लो। आपको आपने फॉर्म डाला है फिलोसफी का, लेकिन आपको इसका भी यहाँ पे मिलने वाला है ऑफर, ठीक है। तो उसमें भी 96 है और टोटल अगर हम लोग इस पूरे को ऐड करते तो आ जाता है 340। अगर हम लोग ऊपर वाले को छोड़ दें IPR को तो 244। ये आपको फ्रेश सीटें हैं। अगर हम लोग इस फ्रेश सीटों को पेड सीट से भी ऐड कर दें तो लगभग यहाँ पे 15% पेड सीटें ऐड होंगी। और इतना ही नहीं, इसके बाद स्पोर्ट्स कोटा भी है और बहुत सारी सुपरमेरिट सीटें हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास सीटों की कोई कमी नहीं है, आपका डिपार्टमेंट जो है ना बहुत ही समृद्ध है सीटों से। अब उसके बावजूद आप एडमिशन ना ले सको तो इसमें कमी आपकी होगी, डिपार्टमेंट की नहीं होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जनरली अब वो कौन सा जनरल मार्क्स है जो आप ले आओगे और आपका एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे हम लोग जनरल, OBC, EWS, SC एंड ST कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बनाया हुआ है। जनरल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अभी इस पेपर में टॉपर्स कितना मार्क्स लाने वाला है। जाहिर सी बात है ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। लास्ट टाइम का जो कट ऑफ था वो 280-270 के आसपास आई थिंक था, मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, मैं कमेंट कर दूंगा, पिन कर दूंगा, या उसके साथ हम टॉपर्स स्टॉक ही कर लेंगे। इस बार के टॉपर्स को हम लोग जानना चाहेंगे, बेसिकली इस वीडियो को हो सकता है वो भी देख रहे हो, तो प्लीज आप कॉमेंट करके भी अपना मार्क्स बताएं। और मेरा जो अंदेशा है, जो मैं गेस कर पा रहा हूँ कि हाँ इस कोर्स में कितना ला सकता है, तो मुझे लग रहा है कि 85 क्वेश्चंस को सही करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट रहा है, अच्छा रहा है, 85 के आसपास क्वेश्चन सही कर सकता है आदमी। तो इस हिसाब से टॉपर जो है वो 85x4 मार्क्स के हिसाब से जाने वाला है। अब बात आती है कि सर वो मिनिमम कितने मार्क्स पे एडमिशन हम लोग इस डिपार्टमेंट में ले सकते हैं। आपका जनरल के लिए देखा जाए तो लगभग 140, ओबीसी के लिए 120 यानी 120, ईडब्ल्यूएस के लिए 130, एससी के लिए 110, एसटी के लिए 100। ये मैं आपको पूरे सबसे इंड टाइम तक कट ऑफ ले गया हूं, जब आपको एडमिशन लगभग मिल ही जाएगा, चाहे FMC हो चाहे आपका एफिलेटेड कॉलेज, मैंने बताया ऐड करके लगभग 5वें, 6वें, 7वें कट ऑफ तक आपको ये सब इतने मार्क्स तक आपको एडमिशन मिलने की उम्मीदें रहेंगे। अब यहाँ पे बच्चे कुछ बोलेंगे ना कि सर हमें FMC के लिए कोई एक लास्ट लिमिट बता दीजिए। FMC के लिए अगर लास्ट लिमिट देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप लगभग 52-53 क्वेश्चन भी सही किए हो तो आराम से मिलेगा, उससे कम में भी मिलेगा, कैटेगरी वाइज उससे कम में भी जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 45 से 50 के आसपास रहोगे सही करने में, ठीक है, मार्क्स को कन्वर्ट कर लेना। ये नहीं कि आप इधर 45 सही कर रहे हो 55 उधर नेगेटिव मार्किंग भी करके ले आ रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के लगभग 50×4, ठीक है, उतना जितना मार्क्स हो रहा है 200 के आसपास, इसमें आराम से जनरल एज ए EWS और OBC में एडमिशन आपको FMC में मिलने की पूरी उम्मीद है। इससे कम में भी लगभग, मैं आपको इसलिए इंश्योर कर रहा हूँ कि पैनिक नहीं होना है बेसिकली, ठीक है, बाकी ऑफिशियल कट ऑफ आएगा तो हम लोग उसको देखेंगे पूरे जितने भी राउंड्स आएंगे उसके, लेकिन लगभग आपके पास 180 के आसपास तक एडमिशन होने की संभावना FMC में एज ए जनरल कैटेगरी रहेगा। उससे कम भी जाने की संभावनाएं रहेंगी क्योंकि बच्चे जो हैं कई सारे कॉलेज में जाना भी चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मार्क्स जो है ये पूरे एफिलेटेड तक मैंने काउंट कराया हुआ है, आराम से पैनिक नहीं होना है, उम्मीदें रखना, एडमिशन मिलने की पूरी उम्मीदें रहेंगी। और जैसे ही ऑफिशियल कट ऑफ आता है मैं फिर से आपको वीडियो बना के बता दूंगा। सो मुस्कुराते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस वीडियो को जरूर अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत सारी शुभकामनाएं, मुस्कुराते रहें, हर हर महादेव, ऑल द बेस्ट।